लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी बने नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष। आपको बता दें कि लगातार भूपेंद्र चौधरी का नाम आगे चल रहा था और भूपेंद्र चौधरी को यूपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी बने नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी बने नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष। यूपी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी बने नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष। भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी। पश्चिम की मुरादाबाद से आते हैं भूपेंद्र। भूपेंद्र चौधरी बने नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे जिस तरीके से आज भूपेंद्र चौधरी का नाम लगातार सामने आ रहा था। भूपेंद्र चौधरी, हम आज सुबह भी इस पर बात कर रहे थे कि भूपेंद्र चौधरी बनाए जा सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। दिल्ली से वो मुलाकात करके वापस आए थे, क्या कुछ कहना है भूपेंद्र चौधरी के लिए? जी बिल्कुल, यशी आपको बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके नाम पर कल ही मुहर लग गई थी। के न्यूज ने प्राथमिकता से ये खबर भी चलाई थी। जब कल उनको एक आजमगढ़ में इनका कार्यक्रम था, भूपेंद्र चौधरी चूंकि पंचायती राज मंत्री भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका वो आजमगढ़ में कार्यक्रम था, वहां से उनको वापस बुला लिया गया। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए भूपेंद्र चौधरी, तुरंत दिल्ली गए और वहां रात में ही देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सहित तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होती थी। तो के न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाई थी भूपेंद्र चौधरी ही होंगे अगले अध्यक्ष यूपी बीजेपी के, तो उस पे आज मुहर लग गई। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और लंबा राजनैतिक अनुभव भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी इनका होल्ड है, क्योंकि 2019-20 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी से जाट गुर्जर नाराज थे तो उसमें भूपेंद्र चौधरी का बड़ा रोल था। उन्होंने उनको मैनेज करने में अच्छा रोल निभाया था, जिसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया और उनको यूपी बीजेपी की कमान उनके हाथ में दी और उन्हीं के नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। आपको बता दूं भूपेंद्र चौधरी ऐसे पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राजनेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सामंजस्य सरकार और संगठन सरकार केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी संकट यही था कि ऐसे चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो संगठन और सरकार में सामंजस्य बना पाए, और भूपेंद्र चौधरी उसमें माहिर माने जा रहे हैं और उनका संगठन में भी अच्छा होल्ड है और सरकार में, इसलिए उनके नाम पर आज केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी और भूपेंद्र चौधरी के ही नेतृत्व में अगला 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, अगर भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि 2024 के चुनावों की उन पर होगी। ऐसे में यह भी देखना होगा कि वो कितने इसको लेकर तैयार होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बता दें कि भूपेंद्र चौधरी यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी।